वामिल के सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल मुहम्मदा अल्लज़ी अरसल मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरन लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैहि इला यौमिद्दीन व बिही अलल अंबिया अजमाइन वाला आलिही 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 व अस्वहाबिही उलिस्सिद्क वल यकीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वा सहाबिका या निअमत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुरादिल मुश्ताकीन वाला आलिका वा सहाबिका या जत्तल हसन वल हुसैन गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकशारा पीरे कामिल कामिला राह रहनुमा अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद लजपाल हादी मुर्शद फरीद हुब्बे नबी है कि मेहरे अली मेहरे अली है कि हुब्बे नबी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं मबैन पिया किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां हक ताला रब ताला मालिक ताला खालिक ताला आदर मुतलक जल्ला वाला दी बेहद हमदो सना दुरूद ला महदूद सैयदुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्माए अंबिया फखरुल अंबिया मीजानुल अंबिया कायदुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया बल्कि फखरुल लंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाहे नाज बारगाहे रिसालत माब दे अंदर पेश करने तो बाद नहायती मेरे वाजिब ताजीम वाजिब एहतराम हजरात उलमाए किराम वानात खाना ने शेरी लिसान और नुकाबा अहबाब मैं सब सरकार दे गुलामा दा शुक्र गुजार रहा कि मेरे जय आजिज़े मुतलक नू समात करन वास्ते तशरीफ रख दे ने और मुबारकबाद दे तुसी मुस्तहिक को
अहलियाने मोहल्ला अहलियाने कस्बा जिन्होंने सरकार दे जिक्र दी इस माफले पाक नू सजाया है। मैं दुआ गोवां रब्बुल आलमीन अज दी इस पाक माफल नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूलियत दा दर्जा अता फरमाए। भाई जवानों बातें वे कि जिस तरह तुसी शोर बरपा कीते अल्लाह दे घर दे अदब दे भी खिलाफ है, तुसी माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हो, बड़ी मोहब्बत नाल सरकार दे जिक्र दियां माफलां सजान वाले लोग हो, ते ए चीज समझदार लोगों नूं वैसे जेब नहीं देंदी। तुसी मोहब्बत दा इजहार करदे होया जिहड़े जवान जरा टेकन लाइया ने, अल्लाह तुहानूं जिंदगी देवे ते अगे अगे तशरीफ लैओ बेटा, अगे हो जाए शाबाश। हजरत तुसी भी हो जाओ, अल्लाह तुहानूं जिंदगी दे, मन जो ते बेहतर है, ना मनो ते फिर भी तुहानूं दुआई देनी है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान दे अंदर सब तो कमजोर बरादरी का नाम मौलवी है। हैं ये जे प्यार नाल भी गल करन ते तां भी लोग गुस्से, ते गुस्से नाल गल करन ते फिर अगे ही गुस्से हैं। ते जिवें तुसी ये शोर बरपा करके या अपनी तवज्जो मबजूल जिक्र तो करके बैठे हो, एडी डाडी तकरीर सानू भी नहीं आई होंगी कि असी उन्हां मौलवियों चो है भी नहीं कि असी अपना रौला पाइए ते आखिए जिन्ना रौला पा लिए चलो 1000 होर आ जाएगा, चल कुछ नहीं तो 200 तो आ ही जाए देना इस बड़क से। साडा ये मंशूर नहीं हुंदा, साडा मंशूर ये वे कि अल्लाह रसूल दे दीने हक दा पैगाम पहुँच जाए। ते ए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नूं भी फरमांदे ने, ते मुफस्सिर कुरान हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नूं भी फरमांदे ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नूं आप भी फरमांदे ने, जिथे नबी दा दीन लोकी तवज्जो नाल ना सुनन ए भी बेअदबी है, बंदा जान बुझ के अगर धक्की जाए टाइम खाई जाए खाई जाए खाई जाए, ए भी सरकार दे दीन दी बेअदबी है, सरकार दे जिक्र दी बेअदबी है कि लोकी तवज्जो ना करन ते पढ़न वाला अगां पढ़ी जाए, ये ते सरकार दी हदीस दी बेअदबी है। इस वास्ते शरीयत दा दूजा इमाम सुरां तुसी सुनोगे इंशाल्लाह ते सुनदे भी हो, मैं ते बेसुरा जिहा ते मैं कोई एक दो गुर दी गल करके ते जो जवानां ने मौजू मेरे जिम्मे लाया, जवान गए सन इन्हां मुहब्बत दे नाल जुमा पढ़िया और क्या कि हजरत साहब अहले बैत दी ते सहाबा दी मुहब्बत बयान करनी है, ते इंशाल्लाह हो जाएगी। उस तो मां कबल एक जुमला जनाब नूं देना चाहना, शरीयत दा दूजा इमाम है, अहले सुन्नत दी फिका दे चार इमाम ने जिन्हां नूं आइम्मा अरबा भी किया जांदा है, इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित और इमाम मालिक इमाम शाफई इमाम अहमद बिन हंबल जिहड़ा गौस पाक दा भी इमाम है। जिहड़े आंदे फिरदे ना गौस पाक माज अल्लाह रब्बिल आलमीन भाभी ने उन्हां नूं कहणा बे इमामियो गौस पाक दा ते इमाम है, तुसीं कितों भाभी साबत करदे फिरदे हो। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं, इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हो दे कोलों अगर मदीने दी गली च टुरदिआं कोई बंदा हदीस पुछदा सी ते आपने बगल च सोटा तुर्रा लाया हुंदा सी, आप बंदे नूं गली च टुरदिआं सोटिआं नाल मारदे सन, फरमांदे ने शर्म नहीं आउंदी, फरमांदे हुंदे सन शर्म नहीं आउंदी, नबी दी हदीस गलियां च पुछना है, नबी दी हदीस गलियां च पुछना है, क्योंकि तुहानू भी अजकल दीन तां नहीं लोकी सुनांदे, उन्हां नूं पता है इंज दीआं गल्लां सुनाईआं किसे पैसे नहीं सुटणे, ते चंगा अपना राग लाओ रंग सुनाओ पैसों का थैला भरो ते घर जाओ, नहीं मनदे ते ना मनन, इंज दीआं गल्लां तुहानू कोई नहीं सुनाएगा, क्यों? उन्हां नूं पता है कि साडी भी जनाब मेरी ये जिहड़ी बारिश है ना ये रुक जाणी है। मगर गल ये नहीं, बरेली दे बाबे इमामे अहले सुन्नत कुश्ताइश के रिसालत इमाम अहमद रजा खान गैरतमंदा दा इमाम, कंधारी पठान सुच्चा आशिक सच्चा आशिक हैं, आप फरमांदे ने तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, लगा हो बिस्तर जिनका आका तेरी गली में, जिदा जिक्र करन आए हो उस जिक्र वाले नाल वफा करके जा, लोकां दे अकीदे ईमान नूं झंझोड़ के जा, पैसे दी रट नाल ला के जा। साईं सरदार कक्के कौलो दे होए ने ए
हजरत गाजी अमर चीमा शहीद दे गांव दे नाल इन्हां दा पिंड कक्का कौलो आ फरमांदे ने सुरताल दा नहीं सवाल इत्थे सुरताल दा नहीं सवाल इत्थे इश्क होवे ते अग सीने नूं भड़क जांदी मजनू आ मारे विच जंगलां दे दिलदार लैला दे बंगले खड़क जांदी पर मर गए विच उडीक सरदार जेड़े आवे यार ते लाश भी फड़क जांदी सरकार नाल वफा करके जिक्र कर पैसे आपे सरकार दे छड़न दे तेरी सोच तो बाद तेनू सरकार देंगे वफा कर ते सुच्चा पैगाम दे के जा सच्चा पैगाम दे के जा मैं सरकार दे सहाबा दी ते अहले बैत दी मोहब्बत दियां चंद गल्लां करनियां ने ते इजाजत ले लैनी है उलमा को दाद लवांगा क्योंकि इन्हां दी दाद मिली मेरे काम आ जानी है ते अल्लाह इन्हां नूं उलमा नूं सलामत रखे उलमा दा साया ता देर साडे सिरां ते कायम दायम रखे क्यों ए वेख्या ना मैं नात पढ़न वालिआं दे खिलाफ नहीं मैं नात खाना दी भी बड़ी जान बयान करना मगर जेड़े नात खान ने नात खूना नूं ते मैं नेड़े नहीं लांदा ते ना ही मैं नात खूना दे नेड़े लगना इंज दे कपड़े बीबियां ना पाण जेंज दीआं नात खान जेंज दे पा के नात खान नातां पढ़दे ने ते फिर नात खान इंज दीआं नातां पढ़न मैं कमली थले लुक जाणा चगल दिया पुत्रा कमली थले लुकी दा नहीं ते ना ही उस पाक कमली दे थले तेनूं किसे जाण देणा ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾ 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 ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਈਮਾਨੋ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਲਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੰਨਤ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਚੱਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ सईदा ज़हरा पाक दा नाम स्पीकर ते फातिमा फातिमा अलामा किरमानी नूं पढ़ा फरमांदे ने सईदा पाक दा बार बार नाम लैना भी बेअदबी उहनां दे नाम दा भी पर्दा है वो कोई टीवियां दे आन वाले एंकर औरतां दी तरह नहीं सईदा ज़हरा वो है कि जिसके दरवाजे पे फरिश्ते भी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकते तुसी उस ज़हरा पाक दे नाम नूं बेअदबी ना लवो मैं चंद दिन पहले शहर सियालकोट च जरूर जिक्र कीता ते उथे सब संगी कट्टे सन खत्म शरीफ दी महफिल सी मैं क्या हाथ खड़ा करो मेरे नाल सारे वादा करो भावे सुनिया का मौलवी होवे ते भावे दूजियां दा होवे जेड़ा चरस वाले सिगरेट पी के ते जेड़ा शराबा पी के अली अली करे दुनिया आखरत दा कुत्ता है ते जेड़ा बावजू हो के अली अली करे कोई भी होवे जे नाराज हो गए हो तो फिर भी मैं करनी है गल जेड़े नाराज हो डट के आखो सुभान अल्लाह मौलविया ना तुसी ईद वाले दिहाड़े राजी नहीं होए ते अज ते फिर मैं फले मोहब्बत ना फिर कह दियो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना मा हुवा शिद्दाउ अलल कुफार मेरे महबूब जेड़े तुहाडे संगी ने ना तुहाडे यार ने जेड़े ये आपस च ना बड़ी मोहब्बत वाले ने आपस च की ने बोलो बोलो जवानो मैं कोई अल जबरे दा सवाल थोड़ा तुहाडे कोल पूछना पे मैं पया ना बस मेरे नाल जागदे होया ना बोलदे जाओ अजे तुसा सवागी साहब दा खिताब भी सुनना है अल्लाह तुहानू सलामत रखे मेरे नबी दे जेड़े यार ने ना माहू जेड़े आपस च मेरे नबी दे संगी ने ना मेरे नबी दे इर्द गिर्द रहन वाले ए आपस च बड़े प्यार वाले ने ते काफरां ते बड़ी सख्ती रखदे ने अल्लाह फरमांदा है अपने नाल प्यार करदे ने ते काफरां नूं डंडा फेरदे ने
अशिद्दा शिद्दत रखते ने अलल कुफर काफरों पर आपस च की करते ने आपस च प्यार करते ने। मैं इत्थे एक जुमला दे के अपनी गुफ्तगू वल आ रहा सब नबियां दी जमात दे विचों अल्लाह ने हुजूर नू चुनिया बोलो की कीता अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम नू चुनिया। हुन रब ने इस चुनन वाले महबूब दे सदके तमाम जहान पैदा फरमाया तमाम आवालम नू अल्लाह ने तखलीक फरमाया सब जहान इस महबूब दे सदके पैदा होए। अजकल लोग आंदे ने अबू बकर ते अली लड़ पे उमर ते अली लड़ पे सोना उस्मान जुन्नुरैन जामिल कुरान कामिल अल हया वल ईमान हबीबुर रहमान ये आपस च लड़ पे। मैं कुरान दी आयत पेश कीती है चलिया जिस नबी नू अल्लाह ने चुनिया ते जिस नबी दे यारां दियां गवाहियां रब देवे अल्लाह आखे आपस च प्यार करदे ने ते तू आखे लड़ पे ने जिस नबी नू सब नबियां चो चुनिया है ओनू यार लड़न वाले देने से जिस नबी नू सब नबियां चो चुनिया और जिदे सदके सब नबियां नू फिर नबूवत दित्ती ते ओनू जदों यार देने सन फिर आपस च लड़न वाले देने सन ते फिर उन्हां नाल जन्नत दे वादे करने सासु वकुल्लम वअदल्लाहु अलहुस्ना और फरमाया मैं रब ने वादा कर लिया इन्हां नाल जन्नत दा ए जन्नती ने ए आपस एक दूसरे दा अदब भी करदे ने और प्यार भी करदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अहलु सुन्नत वल जमात दा ए अकीदा और ईमान है। नबी दे यार भी बेमिसाल ने नबी दी आल भी बेमिसाल है नबी दे असहाब भी बेमिसाल ने नबी दे आल भी नबी दे घर वाले भी अजवाजे मुताहरात उम्मातुल मोमिनीन भी बेमिसाल सब अपनी अपनी शान दे विच वराउल वरा ने सब अपनी शान दे विच अपना मकाम आप रखदे ने। हुण अज कोई कह देवे जी ओ लड़े ने असी ओदी गल ते नहीं लगांगे असी कुरान वल रुजू करांगे सुन्नत वल रुजू करांगे। रब दा कुरान की कह रहा है तारीख इस्लाम की कह रही है जिन्नू वुजू दा नहीं पता वो नबी दे यारां ते गल्लां करदा फिरदा जिन्नू अपनी पाकी दा तहारत दा नहीं पता जिन्नू ए भी नहीं पता कि पाकी करदियां हाथ दियां उंगलां किन्नियां इस्तेमाल करनियां ने ते कित्थों तक करनियां ने वो नबी दे यारे गार ते गल्लां करदा फिरदा जिन्नू अपने अब्बे दा नहीं पता वो अली ते गल्लां करदा फिरदा जिन्हों अपने आप दा इलम नहीं कि मेरी तखलीक कित्थों होई है ओ यारे गार ते यारे मिजार ते गल्लां करदा ओ ताजदारी अदालत ते गल्लां करदा ओ उस्माने गनी ते गल्लां करदा जिन्हों मेरे नबी ने आख्या चुप हो जा ए ते दो धियां तेनों निकाह च दित्तियां सन अगर चाली भी हुंदियां ते वारो वारी दे छड़नियां सन उस उस्माने गनी ते गल्लां होण ते सुनिया तू चुप रवे नहीं असी लड़ाई दा पैगाम नहीं देके जांदे मगर असी ये आने कि कम अज कम अपनी गैरत ते बंदे नूं होनी चाहीदी है ना। तबरानी दी हदीस पेश कर दिया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुल अल जन्नत दयूस मेरे नबी ने फरमाया बेगैरत बंदा ते जन्नत वड़ना ही नहीं। मैं हदीस ना बखावा मैं रट के गल्ला नहीं करदा मैं पढ़ के करना तबरानी दी हदीस है मदीने दे ताजदार ने फरमाया ला यदखुल अल जन्नत दयूसन बेगैरत कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कम अज कम बंदे नु अपने मसलक अपने अकीदे ईमान दी ते गैरत होनी चाहिए ना अपने आप ते डट जाओ। हजरत मैं माजरत ना मैं मुल्ला इंज दे वेखे ने जेड़े जाके छुप छुप के गैरां दी झोलियां च जाके लंगर खांदे ने मजहब दे मसलक दे गद्दार बन गए ते साड़ी कौम बाबे शेर दिया गावां बन गई जिन्हें लाया गली ओदे नाल टोर चली सुनिया ने किसे बंदे नूं खड़ा करके पूछ लो दसो अकीदा ईमान की ओ गल नहीं कर सकेगा। साडे मौलवियां नूं पूछ लो हुजूर कि आला हजरत ने जिहड़ियां सुन्नी दियां निशानियां बयान कीतियां ने दस किन्नियां ने फिर ए भी दस किथे आला हजरत ने बयान कीतियां ने कोई पता नहीं। कदी फतह इमाम अहमद रजा दा नां इस्तेमाल कीता इमाम अहमद रजा नूं पढ़िया नहीं
जिन्ना पढ़ लिया उते पक्के हो गए ने। आपने पूरा रिसाला लिखा फतावा रजिया 19वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल असहाब। वो बंदा पढ़ लिया ते बंदा दूजे ते लागियो नहीं लगदा जेड़ा अबू बकर नु गाला कड्डन वाला होवे, जेड़ा उमर फारूक नु गाला कड्डन वाला होवे। अली आखे अबू बकर ते उमर साडे बाप ने। मैं गल ना बखावा तीरे जिंदे वाले हो, गड्डी दी चाबी इनाम 5 लाख रुपया इनाम ना दिया ते अपने बाप दा नहीं। अली अपने दौरे हुकूमत च किया, अबू बकर ते उमर साडे बाप ने। हवाला किते तरीकत दी मशक अल कदीर असमिया जिल्दां दी किताब इमाम मुहद्दिस इब्ने असाकिर दी, बैरूत लबनान दी छपी 80 जिल्दां दी किताब है, 1.5 लाख रुपया दी कीमत है इस वक्त। अगर हवाला ना विखावा ते मैं मुजरम, सनना भी सही। अली फरमान अबू बकर ते उमर साडे बाप ने। जिन्ना नू अली आखे कि अबू बकर ते उमर साडे शेख ते साडे बाप ने, अज उस अबू बकर ते उमर नू गाला कढ़ियां जान। असी दावत फिकर देने, साडा मजहब गाला वाला नहीं, साडा मजहब लड़ाइयां वाला नहीं, साडा मजहब पैगामे दीने हक वाला, पैगामे दीने मुस्तफा वाला है। नबी दे गुलामो आ जाओ, अगर उन्हें दीन दी खिदमत नहीं कीती ते फिर दीन साडे तक आया किंजे? जे उन्हें दीन दी खिदमत नहीं कीती, जे उन्हें आपस च प्यार नहीं कीता ते फिर दीन साडे वल्ले आया किवें में? आओ नबी पाक दे गुलामो, आल और अजवाज और असहाब दी मोहब्बत दा आलम की है। गल ते वे ना एले बैत दी जुबान चो सहाबा दी शान बयान होवे, ते सहाबा दी जुबान चो अहले बैत दी शान बयान होवे, मजा ते फेर है ना। मोहब्बत नाल एक बारी नाराज हो गई डट के कह दियो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर कह दियो सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद, बोलो बोलो इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला नो। इमाम बाकिर पता कौन ने? इमाम जाफर सादक दे अब्बा जी ने, और हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबदीन बीमारे करबला दे पुत्र ने, ते हजरत इमाम हुसैन दे पोतरे ने। ओ पे गल करदे ने, बाकर आंदे ने चीरन वाले नू। बाकर दा माना की है? ओ बोलो ना, बाकर दा माना की है? चीरन वाला। ए आप दा नाम बाकर क्यों पिया? आप कोलो कोई जदू दीन दा मसला पुछदा सी ना, आप इंज इलम दे रस्ते चीर दे इलम दी गहराई च टुर जांदे सन, आप दा नाम ही बाकर पै गया। आप दे कोलो किसे ने पूछा नबी पाक दियां बीवियां दे बारे? हो जी माजल्लाह रब्बिल आलमीन अम्मा आयशा सदीका वो जो थी माजल्लाह ठीक नहीं थी। मैं क्या इस उम्मत दा आलमी है के गाने गाण वाली नूर जहां नू जंती आंदे ने, ते जिदी अजमत ते सूरत ते नूर आई है ओनू आयशा सदीका नू भौंक दे ने। नूर जहान इस दुनिया की निगाह के अंदर जन्नती हो गई, जड़ी सारी जिंदगी हजरत अबू बकर ते उमर नू गाला कढ़दी रही, ओ नूर जहान ते जन्नती हो गई इन्हां लोकां दी नजर च। ते जिस आयशा सदीका दी अजमत च कुरान च पूरी सूरत नाजल हुई ओनू गाला कढ़दे हो। वारिस शाह 8वें इमाम दी औलाद बोले, आप फरमांदे ने 13वीं सदी दा दौर फिरया, उठ गई जहान उतो मेहर मियां रन्ना,
ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰ ਮੀਆਂ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਨੀਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਖਲੋਤੇ ਟੀ 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 ਵੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਥਾ ਪਰ ਅਮਰ ਬੁਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹਵਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਬੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੁਫਰ ਕਰਦਾ ਇਰਤਿਕਾਬੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰੌਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਖੋ ਆਪਸ 'ਚ ਰੌਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਫਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੁਨੀਆਂ 'ਚ 10% ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਫਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਬੋ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਖਦੇ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੀ ਕਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕੱਟੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸੀਤੂ ਪਿਆ ਕੱਢਣਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਅਲੇਹ ਰਹਿਮਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰੀਆ ਉਹ ਸਮੰਦ ਰੋ ਡੂੰਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਏ ਜਾਣੇ ਊ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਮੁਹਾਲੇ ਓ 14 ਤਬਕ ਓ ਯਾਰੋ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗ ਓਏ ਗਾਣੇ ਓ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰਮ ਓਏ ਓ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਧ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਏ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ ਵੱਲਜ਼ੀ ਨਮਾਊ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ
ते आपस दे अंदर बड़ा प्यार कर दे ने आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले ने आपस के अंदर उल्फत रखने वाले ने आपस के अंदर चाहत रखने वाले ने। हजरते गिरामी तवज्जो दे नाल सुन दे जाया जे एक बात अजीबो गरीब सुनाना चाहना वा। लिखन वाले इमाम ज़हबी ने किताब का नाम सैयारो आला मिन्नो बला दे अंदर आपने इस रिवायत नु बयान फरमाया है। आप फरमाते ने इमामे पाकर दे कोल सवाल करना चाहना वा। आपने फरमाया कर सवाल की करना चाहना है। आंदा दसो हसन ते हुसैन पाक नबी दियां बीवियां दा किंज हया कर दे सन एहतराम किवें कर दे सन। मेरे इमामे बाकर ने फरमाया आपने फरमाया पुछन वालिया हजरत मौला हसन पाक ते मौला हुसैन पाक मेरे नबी दियां बीवियां दा एहतराम इंज कर दे सन। आप बोले आपने बोल के फरमाया कानल हसनो वल हुसैनो कानल हसनो वल हुसैनो। तवज्जो दे नाल सुन दे जाया जे हसन सौंड अल्लाह जनाब नो बरकता दे बड़ी मेहरबानी। आपने फरमाया कानल हसनो वल हुसैनो। आपने वेख कैसे मोती परो दिते ने फरमाया कानल हसनो वल हुसैनो। ला यारा याने उम्महातिल मोमिनीना। हजरत इमामे बाकर बोल के फरमाते ने आप फरमाते ने पूछन वालिया पूछना है हजरत हसन ते हुसैन उम्महातुल मोमिनीन दा हया किवें करदे सन। आ फरमांदे ने सारी जिंदगी मेरे पाप हुसैन ने सारी जिंदगी मेरे दादे हुसैन ते हसन ने। नबी दियां बीवियां दा इंज चेहरा नहीं वेख्या इन्ना हया करदे सन इन्ना हया कर दे सन। हसन ते हुसैन ने सारी जिंदगी मेरे नबी दियां बीवियां दा चेहरा नहीं वेख्या ए कौन प्या गल करदा। ला यारा याने उम्महातिल मोमिनीना आख्या इन्ना अदब कर दे सन कदे भी इन्ना उम्महातुल मोमिनीन दा चेहरा नहीं वेख्या। हजरात अजवाज दा असहाब दा ते आल दा प्यार वेखो किन्नी मोहब्बत आपस दे अंदर पे कर देने किन्नी उल्फत पे रख देने। मेरे नबी दे गुलामो तवज्जो दे नाल बात नु समाद कर दे जाया जे हजरते सैयदना सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक ताजदारे सदाकत यारे गारे मुस्तफा यारे मिजारे मुस्तफा रफीके मुस्तफा यारे मुस्तफा शुसरे मुस्तफा मेरे नबी दा मुरीद मुरीदे मुस्तफा मुरीदे अव्वल सैयदना सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह ताला अनहो। आप मेरे नबी पाक दे नाल बैठे ने अचानक मेरे नबी पाक खिताब पे कर दे ने अचानक मौला अली आ गए कुल मोमना दा पीर आ गया है। कौन अली आया है केड़ा अली आया है जिदा बाजू पकड़ के नबी फरमाए ओए दुनिया वालियो मन कुल तो मौला हो फहाजा अलीन मौला जिदे बाजू नो पढ़ के मेरा नबी फरमाए ए दुनिया वालियो जिदा जिदा मैं मौला वा ओदा योदा अली मौला है। एक
जेड़ा अली आया है जिदे बल्ले नबी वेगे फरमांदे ने ऐ दुनिया वालो जिक्रो अली अलिबादा मेरे वीर अली दा जिक्र करना भी इबादत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया हुजूर ने फरमाया ए सब दा मौला है जिदा मैं मौला ओदा ए मौला है एदा जिक्र करना भी इबादत है। कौन अली आया अगे चलदा जावा अशदुल्ला वजहुल्ला ऐनुल्ला यदुल्ला मजहर अल अजायब वल गरायब असदुल्लाह अल गालिब हजरत मौला अली आ गए ने मेरे नबी खिताब पे कर दे ने अबू बकर दाई जानब बैठे ने उमर दूसरी जानब बैठे ने मेरे नबी ने वेख लिया है अली आ के मस्जिद के दरवाजे च खड़ा हो गया है। हैदर करार मस्जिद के दरवाजे के अंदर आके खड़े हुए ने तवज्जो दा तालिबा मेरे करीम इमाम अंबिया ने ताए वेखिया हुजूर ने दूसरी तरफ वेखिया सामने वेखिया ते गुलामा दा जम्मे गफीरे गुलामा दा जम्मे गफीरे बैठन वास्ते मस्जिद दे अंदर जगह कोई नहीं हर गुलाम मेरे नबी दे चेहरे बल्ले वेखी जा रहे आए अरफां दे सुल्तान फिर बोले हर गुलाम मेरे नबी दे रुखे बदुआ ते नजर टिकाई ते हर गुलाम आंदा की है ए तन मेरा ओ चशे महावे ते मैं मुर्शिद वेखना ओए राजा ओ लूलू दे ओ मुड़ लख लख चशीमा एक ही खोला एक ओए कजा ओ इतना डिठिया इतना डिठिया इतना डिठिया इतना डिठिया ओ मैनू शबर न आवे ते होर की दे वाले ओए भाजा ओ मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मुर हाथ इत्थे होवे हाथ फिजा च होवे मदीने वाले दा जिक्र होवे वदुआ वल्लैली जा सजा मा वता कर रब्बू का वमा कला मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मुर्शिद दा बताइयन निलंदाही बे इज़ने ही वासिराज चाचूनी रा वापस्शर इल्मोमिनीना बी अन्ना लहुम निनल्लाहे फादलन कबीरा मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मुर्शिद दा दीदारी है बाहू मैनो लख करोड़ा हजा ओ कुल मोमना दे पीर अली
मस्जिद नबवी च आके खड़े हो गए दरवाजे च हुण सहाबा दा जम्मे गफीर ने इंज फस के हुजूर दे गुलाम बैठे ने आपस जगह कोनी बैठन वास्ते ते अंदाज मौला अली दा पता की है तवज्जो दा तालिब अली पाक ने हाथ बन्ने ते खड़े हो गए मेरे करीम दा चेहरा बेंदे ने पे ते मेरे नबी ने खिताब छड़ दिता हुजूर ने खिताब छोड़ दिया मेरे नबी पाक देखदे देखण लग पे अली वल्लो उधर हुजूर इंज बेंदे ने इंज बेंदे देखण दी वजह ए सी के केड़ा बंदा हुण जेड़ा अली नु अपनी थां ते भावे केड़ा बंदा जेड़ा अली नु पिछे बैठण वास्ते जगह देवे तारीख ए दिमाशक अल कदीर रसूलियां जिल्दां दी किताब दा हवाला असियां जिल्दां दी किताब इमाम मुहद्दस इब्ने असाकिर दी तसनीफ दा हवाला दे रहा लजपाल कदी दाएं कदी दूसरी तरफ बिंदे ने पे एक और मसला कर दियां मेरे जे अनपढ़ अज कल भी आंदे हुंदे ने मिंबरां ते बह के नबी पाक ने कदी सज्जी साइड ते वेख्या ते कदी अपनी खब्बी साइड ते वेख्या हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान एमी आंदे ने कि नबी पाक वास्ते खब्बा नहीं कहना क्यों खब्बा बेबरकता हुंदा ते नबी दी ते हर साइड ही बरकत आली है इस वास्ते नबी पाक वास्ते नहीं कविता के नबी पाक दा खब्बा पासा या खब्बी साइड जदू दूस खब्बी साइड दा जिक्र होना ते कहना दूसरी साइड हुजूर ने दूसरी साइड ते भी वेख्या ताई भी वेख्या सामने भी वेख्या के केड़ा बंदा जेड़ा मेरे सोहने वीर अली नु जगह देवे बैठन वास्ते कोई भी ना उठिया सब तो पहले एक शख्स उठिया ओ हुजूर दे नाल बैठे सन सज्जे साइड ते उठे मौला अली नु बुला के अपनी जगह ते बा दिता ते आपी खलो रहे ते उस बंदे दा नाम ही अबू बकर सिद्दीक बोलना सुभान अल्लाह इत्थे हजरत साहब जुमला दे ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਦੇਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲੀ ਦਾ ਖਲੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਏ ਉਹ ਜੀ ਨਬੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਖੜਾ ਕੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਘੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ अली ते एड़ा गैरत मंद पीर है मेरे मौला अली फरमांदे ने मैं उस बंदे नु गैरत मंद नहीं समझदा जेड़ा जिदी बीवी बगैर इजाजत ओदी इजाजत तो बगैर बाजार च कल्ली जाए मैं गल ना बखावां मैं जुबान कटा देंगा अला तगारून वला यतगयरून अली दा फरमान जो अली तेरी मेरी बहन को किसी गैर के सामने नहीं जाने देता वो अली 5 घंटे ज़हरा को गैरों के सामने कैसे जाने देता बेशक अबू बकर खलीफा अव्वल है बेशक अबू बकर सिद्दीक दूसरे मुस्तफा हैं लेकिन अबू बकर सिद्दीक सैयदा पाक देते गैर ने ना ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਮੇ ਜੁਦਾਈ ਹੋਗੀ ਅਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਤੋ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ ਉਡਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ अपनी जगह ते मेरे नबी ने रुख मोड़ लिया मेरे नबी ने एक गल बयान फरमाई क़यामत तक अपने सीने दा तवीज बनाया जे सब नु ए इरसाल करो गल मेरे नबी ने जदों वेख्या ना कि अबू बकर अपनी जगह छड़ के अली नु भा दित्ता अपनी जगह ते मेरे नबी बोल के फरमांदे ने इन्ना मा यारिफुल फदला ले अहलिल फदले ज़बुल फदले मेरे नबी ने फरमाया शान वाले ही शान वाले दी अजमत नु पहचान सकदा है ना इन्नमा यारिफुल फदला ले अहलिल फदले ज़बुल फदले मेरे नबी ने फरमाया
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ? ਬੇਅਜ਼ਮਤਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ? ਕੀ ਮਾਨਾ ਫਰਮਾਇਆ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ, ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਵੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ, झगड़ा हो गया ते मेहरबानी करके ना साडा फैसला कर दियो। ते हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अच्छा तुहाडा फैसला करने हां, तुहाडा फैसला करने हां। लो जी, मेरे नबी पाक की मामूल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, हजरत उमर जे सोचदे ने पे ते आप दी नजर उठी ते मस्जिद नबवी दी कंध नाल ना अल्लाह दा शेर कुल मोमना दा पीर अली इंज मौला अली मस्जिद नबवी दी दीवार नाल टेक ला के बैठे। हजरत उमर ने जदों निगाहे अदालत उठाई ना, ताजदारे अदालत की निगाह पई ताजदारे विलायत दे चेहरे ते मौला अली दे बारे फिर हजरत उमर ने जड़ियां गल्लां कीतियां, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया, ओ मेरे कोल आउण वाले ओ क्यों दे ओ, तू साडा अमीर है, साडा बादशाह, साडा फैसला कर। आपने फरमाया, नहीं मैं फैसला नहीं करांगा। ओ अली बैठे, अली मेरे नाल चंगे फैसले करदा। ओ बोल सुभान अल्लाह, अली मेरे नाल चंगे फैसले करदा, जाओ अली कोलो फैसला कराओ। उत्थे एक बंदा बोलिया, ओदे ढिड च मरोड़ उठिया। मौला अली नु वेख के आंदा, आजा आजा यकदी बैना ना, इन्ने साडा की फैसला करना। लै इन्नी गल पे करदा ही हजरत उमर उठे, उठ के इत्थे फड़िया। मौलवी आ गल है गलमी फड़न वाली, ना बखावा फिर भी अपनी जुबान कटा दिया। हजरत उमर मेरे नबी दे गुलामो, नबी तेरे ते मेरे वास्ते रो रो के दुआवां मंगियां, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श लै, ते तू नबी दे यारे गार ते नबी दे नाल फिरन वाले नबी दे साहबा हुजूर दे नाल हर जगह ते रहन वालेयां नूं गाला कढ़ के क्यों दोज़ख जाना है? नबी बख्शिश दीआं दुआवां मंगे ते तू बख्शिश तो दूर क्यों ना? जेड़े नबी आए ते सजदे च सिर रखे है, दुनिया तो गए ते फिर भी उम्मत दा दर्द है, ओ तेरे वास्ते रहमत तलाश करदे रे रब दी, ते तू उस रहमत तो दूर हुन्ना? हमेशा सजदे कीते लजपाल ने तेरे ते मेरे वास्ते, लजपाल दी रहमत तो दूर ना हो, नबी दे असहाब दे नाल बुगज रख के, नबी दे गुलामा दे नाल बुगज रख के दूर ना हो। सलाम होवे इमाम अहले सुन्नत ते जिन्ना ने कलाम दे जरिए हुजूर दी उम्मत दे ईमान जेड़े ने उन्हां नूं चंजोड़ के फरमाया, ओ मेरा सोना लबी लजपाल, जिन्ने सजदे कर करके तेरे ते मेरे वास्ते रब नूं मनाया ते आप की फरमांदे ने। इस शेर से अपनी गुफ्तगू दा इख्तिताम करना चाहना। आला हजरत फरमांदे ने, ओना तुहानूं छड्डिया नहीं ते भुल्ले भी नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार की फरमांदे ने, इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क़े रिसालत इमाम मोहम्मद रजा खान कंधारी पठान आप फरमांदे ने, इमाम अहले सुन्नत सरकार फरमांदे ने, आप फरमांदे ने, पहले सजदे रोजे अजल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पेला कौन सलाम यादगारी ये उम्मत
मोहम्मद पहला कौन सलाम फिर पढ़ना जाना पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद यादगारी मत पेला कौन सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला अल्लाह अकबर कबीरा ओ पहले सजदे तो लेके आखरी सजदे तक सानू नहीं भूले ते तू उस नबी दा सबक ना भूल नबी दे यारा नाल भी प्यार कर नबी दे घर वालों नाल भी प्यार कर नबी पाक दी अजवाज नाल भी प्यार कर एदे विच ही साडी भलाई है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह करीम साडी सब दी हाजरी नु अपनी बारगाह दे अंदर कबूलियत दा दर्जा अता फरमाए मेरे बरादर मुकर्रम बरादर अकबर जनाब गजनफर अली बाजवा साहब आप ही तशरीफ लेके आए मैं दिल दियां था गहराइयां दे नाल आपको खुश आमदीद कहना और जिन्ने भी तुसी सरकार दे गुलाम इस पाक माफत दे अंदर आए हो अल्लाह करीम सब दे अकीदे और ईमान दी हिफाजत फरमाए आखिर दावा या अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।